कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम महेश जी कोऑर्डिनेटर रूप में, मैं पीसी मेंबर के रूप में, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं प्रशांत जी, यहाँ के प्रभारी हैं, सब लोगों को यहाँ पे टोंक में भेजा है। इस बार हमारी पार्टी बहुत ही गंभीर है, सिंसियर है कि ऐसे प्रत्याशी का चयन हो जो पिछले दो बार की हमारी कांग्रेस की स्थिति रही वो स्थिति को एकदम हम पलटें। और तो इसी के रूप में आज हमने पूरे टोंक में सबका फीडबैक, सारे हमारे पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के हैं, मंडल के हैं, उनसे सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से फीडबैक लिया है। और जो फीडबैक आएगा बेस्ट से बेस्ट हम उसको हाईकमान को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उनको पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार ये सीट 100% हमारी कांग्रेस पार्टी जीते, इसको लेकर के हम सबको यहाँ पर ड्यूट लगाएगी है। निष्पक्ष रूप से पूरा फीडबैक आम जनता से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के और हाईकमान तक पहुँचाएगी। इस बार गंभीरता क्या मतलब, इससे पहले कांग्रेस क्या गंभीर नहीं रही? देखो दोनों बार आपको पता है कि गंभीर तो हमेशा रहते हैं कि दोनों बार कांग्रेस हारी है। इस बार जिस तरह से देश की परिस्थिति आ रही है, जिस तरह से हमारी सरकार ने जो गवर्नमेंट की काम भी बहुत ज़्यादा करे और दो महीने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, दो महीने में बीजेपी के खिलाफ आम जनता हुई है, गरीब हुआ है, मजदूर हुआ है, किसान हुआ है, तो उसका बेनिफिट भी हमको मिलेगा। और इस बार निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत सारी सीट कांग्रेस जीतेगी। देखिए ये लगातार चर्चा है कि जो कांग्रेस के कुछ हारे हुए प्रत्याशी रहे हैं या कुछ जीते हुए प्रत्याशी रहे हैं उनको कांग्रेस इस बार मैदान में उतार कर, देखो ऐसे कितने लोग हैं जिन पे चर्चा है? ऐसा समीकरण बदलते रहते हैं। आपको पता है कि 2000 जब उसका इलेक्शन हुआ था 9 का, उस टाइम हमारे हारे हुए प्रत्याशी टिकट दिए थे, चुनाव जीत गए थे। सीपी जोशी जी हारे हुए थे जीते थे, लालचंद कटारिया हारे हुए थे जीते थे, और भी कई लोग थे चुनाव हार गए थे, अभी लगा बाद में जीते थे। तो सारे समीकरण देख करके तय किया जाएगा कि जीतने वाला प्रत्याशी कौन है। और सब कार्यकर्ताओं की सलाह से मैं समझता हूँ कि सामूहिक फैसले होंगे तो निश्चित हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिन पर विचार चल रहा है और जीते हुए कितने लोग हैं जिन पर विचार चल रहा है? ऐसा पूरे प्रदेश को तो मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ पर 2-3 हज़ार सीटों में मुझे लगा है, हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट प्रत्याशी का हम चयन करें। ये लगातार ये चर्चा है कि पायलट साहब को भी इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर मैदान में उतारा जा सकता है। देखो पायलट साहब, आपको पता है पायलट साहब राष्ट्रीय नेता है, बहुत बड़े नेता है, जनाधार वाले नेता है। मैं समझता हूँ कि जो फैसले होंगे सोच के होंगे। पायलट साहब एक वर्कर ग्रुप में काम तो करेंगे, यदि वो नहीं लड़ेंगे तो जिसको भी टिकट मिलेगा प्रत्याशी को, पायलट साहब उसके लिए काम करेंगे और निश्चित उनके काम करने का हमारे प्रदेश को फायदा मिलेगा। देखिए ये लगातार चर्चा रही है कि जब बीजेपी दूसरे को टिकट देती है तो कांग्रेस नया को देती है, ये एक लगातार एक खेल चल रहा है, तो क्या इसको लेकर लोगों ने चर्चा करी आपसे? ऐसा ही सारी मेरा स्वयं का सोच है और कार्यकर्ताओं को फीडबैक मिला है कि टोंक सवाई माधोपुर सीट पार्टी के समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से हमारे कांग्रेस के वोट यहाँ पर हैं। और चाहे कुछ हम जाति से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति जीतने वाला हो, जिसको सारे हमारे कार्यकर्ता पसंद करते हों, उस व्यक्ति की सिफारिश करेंगे ताकि हम ये सीट जीत सकें। देखिए सीट सामान्य है, उसके बावजूद टिकट जो है वो सामान्य जाति को लेकर के दोनों पार्टियाँ कहीं इधर देती हैं टिकट, तो ये फिर नहीं। पहली बात तो क्या है कि देखो ये प्रजातंत्र है और ओबीसी में गुजर को जब बीजेपी टिकट देती है तो गुजर वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं होता है ओबीसी का। हम जीतने वाले प्रत्याशी का चयन करेंगे, चाहे वो एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, प्रत्याशी जीतने वाला होना चाहिए, उसका ही चयन किया जाएगा। ये दो तरह की बात है, ये एक तो पायलट साहब को लड़ाया जाए या पायलट साहब की मर्जी से टिकट दिया जाए, ये क्या है? सबकी सलाह से पायलट साहब की, उसमें अहम सलाह होगी। अगर पायलट साहब को लड़ने के लिए कहा जाता है भाई, ये तो पायलट साहब स्वयं बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनाधार वाला नेता है, वो जीतने की क्षमता भी रखते हैं, जिताने की क्षमता भी रखते हैं। लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, अब सूर्य नमस्कार आ गया है बीच के अंदर, क्या कहेंगे सारे? ऐसे भाजपा झूठ बोल करके हमलावर है, वो कोई ना कोई बहाने से ईडी के नाम से, आप देख लो ईडी की एक भयव्याप्त कर रखा है पूरे देश को। यही जो उनके ईडी के कारण है, ये सब कारण ही उनके लिए एक रोज ऐसे गलत सिद्ध होंगे। अभी वहाँ पर क्या किया इन्होंने आपको पता है, अभी वहाँ मुख्यमंत्री जी थे, उनको सोरेन साहब को हटाया, दूसरे मुख्यमंत्री लिए उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री के साथ में क्या व्यवहार किया, यहाँ भी रोज छापे पड़ रहे हैं। धीरे धीरे जनता सब जान रही है, वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, प्रजातंत्र में बदले की भावना का कोई स्थान नहीं है। आज पिछले दो महीने के अंदर अंदर बीजेपी के प्रति लोगों में हमारे प्रदेश में कितना आक्रोश है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीट कांग्रेस इस बार प्रदेश के अंदर जीतेगी। इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है आपका जगह जगह, ऐसा ये इतना बड़ा परिवार है इसमें चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि ये भी बीजेपी के कारनामे,
बीजेपी का अमित शाह के स्टेटमेंट आपने हमने सुने थे नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी कंडीशन में हम नीतीश कुमार को इसमें घुसने नहीं देंगे एनडीए में। आज क्या स्थिति आ गई वापस? तो बीजेपी अपनी बात पर रहती नहीं है, बीजेपी बदलती रहती है, धीरे धीरे जनता उनकी बातों को समझ चुकी है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हम विकास के नाम पर, सद्भावना के नाम से, प्रजातंत्र के नाम से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित इस बार कांग्रेस चुनाव बहुत भारी भाव से राजस्थान के अंदर जीतेगी। देखिए कांग्रेस को बीजेपी तो कह रही है कि राम मंदिर से हमने इतना बड़ा गेन कर लिया है कि हम 400 पार करेंगे। ऐसा वो राम मंदिर को ठेकेदार थोड़ी, हम भी भगवान राम को मानते हैं, वो केवल इमोशनल। कल मैंने अजमेर में बोला था, वो हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं और हमारे रोम-रोम में भगवान है, सब लोग हम आस्तिक हैं। वो भगवान राम के नाम उसके लेकर के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, भावना भड़काते हैं, लेकिन आम जनता ये समझ चुकी है। आम जनता चाहेगी भगवान के साथ साथ में रोजगार भी चाहिए, धंधे भी चाहिए। यूथों को क्या स्थिति हो रही है आज, 60-70% देश के अंदर यूथ है, यूथों में इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी है और जिस दिन ये यूथ जग जाएगा ना, इसको सब मामले खत्म कर देगा। भगवान राम को रोम रोम बजते हैं, लेकिन कांग्रेस से बड़े नेताओं ने राम मंदिर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें किसने किया था किनारा, आपको पता है? आप पूरी जानकारी रखिए। हमारे हिंदू धर्म देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और जब भी हिंदू धर्म में किसी प्रकार की कोई बात हो जाती है, जो शंकराचार्य कहेंगे वो बात सर्वमान्य होगी और वो हिंदू धर्म का लास्ट फैसला होगा। उन्होंने शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानी? आपने कभी हाईलाइट करते हिम्मत है आप लोगों की, मीडिया वालों की? शंकराचार्य करते, हिंदू धर्म के अंदर कट्टर लिखा हुआ है और शंकराचार्य के डिसीजन फाइनल होगा हिंदू धर्म के अंदर। सनातन धर्म में जो लास्ट डिसीजन शंकराचार्य को होता है, वो शंकराचार्य को नहीं मानते असली। मैं तो ये कहूँगा कि असली राम को मानने वाला तो हमें, वो तो फर्जी लोग हैं। हिजाब को लेकर जो विवाद चालू हुआ नया, ये तो बीजेपी वाले जैसे चुनाव आते हैं ये फंडे करते रहते हैं। वो बाबा ले लट्ठर घूमता रहता है, वो हमारे MLA बने थे जनता ने, इमोशनल। क्या आप क्या सोचते हैं? मैं कहता हूं, मेरे पास क्लियर सुन लो, ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, आपके सामने आ जाएगी। यदि हो सके एक दिन देश के अंदर ऐसी क्रांति होगी, ये जो यूथ खड़े ना सारे के सारे, इनको धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सब खत्म कर दिया इन्होंने, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। भगवान भी चाहिए, लेकिन साथ साथ धंधे रोजगार भी चाहिए।